केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए खेती कानूनों के विरोध में किसान पिछले करीब एक महीने से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से इस संघर्ष की ओट में सिर्फ राजनीति की जा रही है, लेकिन इस मसले के हल के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। ऐसे में किसानों को पंजाबी सिनेमा जगत के स्टार योगराज सिंह का समर्थन मिला है, जिनके द्वारा किसानों के समर्थन में किसानों के धरनों में शमूलियत की जा रही है, ताकि किसानों की इस लड़ाई में अपना सहयोग दे सकें और खेती कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा जो संघर्ष शुरू किया गया है उसे अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इस बारे में जब योगराज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कई बार संघर्ष काफी लंबे हो जाते हैं। उन्होंने मुगलों का उदाहरण देते हुए कहा कि मुगलों का तख्ता पलटने के लिए 300 साल तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन सच्चाई पर चलने वालों की जीत आखिरकार होती है। योगराज ने राजनीतिक पार्टियों को नसीहत देते हुए कहा कि जब ये बिल पास हो रहा था सब विरोधी पार्टियों को वहां से वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर किसान धरने पर बैठे हैं तो राजनीतिक पार्टियों को भी चाहिए कि वे दिल्ली जाकर धरने पर बैठें। योगराज सिंह लदपालमा टोल बैरियर पर किसानों के समर्थन में पहुंचे थे। योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संघर्ष कई बार बहुत लंबे हो जाया करते, दो दो साल, तीन तीन साल। मुगलों का तख्ता पलटन वास्ते संघर्ष 350 साल चलिया, गुरु नानक देव जी तो लैके दसवें पातशाह तक। बहुत सारे संघर्ष ने जिहड़े सच्चाई के दौर पर चलते हैं। जब सच की चक्की चलती है, रब चलाउंदा सच की चक्की, तो बड़ा बरीक पीसदी है, पर वह इहो जिहा पीसदी है कि मुड़ के वह चीज़ जुड़ती नहीं। सो मैं समझदा एक सच्चाई दे तौर पर संघर्ष शुरू होया और इनू समा लगेगा, काफ़ी लगेगा। और जे अजे भी जिहड़ा हंकार है कि जी मैं ही धरती चलाउना, मैं ही, मेरे कहते सूरज चढ़ता है, मेरे कहते चंद आउंदा है, रात हुंदी है, दिन हुंदी है। कई बारी राजियां नूं इस गल दा हंकार हो जांदा है, वह फिर खुदा जब तोड़दा है फिर उन टाइम तो लगता ही। सर देखने दे विच आया कि सरकारां दे वजीर, पंजाब दे वजीर दिल्ली जांदे ने, दिल्ली जाके धरना दिंदे ने, पर उत्थे गल सिर्फ ट्रेनां चलाउण दी हुंदी है, किसानां बारे कोई गल नहीं हुंदी, की कहणा? बड़ी अजीब जी गल है। वैसे आपां सारे पढ़े लिखे बंदे हैं, तुसीं मुआज़िब प्रेस वाले फादर ऑफ द नेशन, तुहानूं प्रणाम है। और तुसीं इस गल नूं मेरे तो ज़्यादा समझदे हो कि जब ये बिल पास हो रहे सी तां सारियां पार्टियां उत्थे खड़ियां सी ऑपोजिशन, और तुसीं वॉकआउट कर गए। मेरा ख्याल सारे लीडर साहिबान समझदार लोग ने, सारियां पार्टियां बहुत समझदार बंदियां नाल भरिया हुई हैं, तो तुहानूं वॉकआउट करन दी की लोड़ सी? तुसीं उत्थे खड़दे, तुसीं रौला पाउंदे, तुसीं प्रेजिडेंट को जांदे, तुहाडे को 90-80 MP तां सीगे। तो वह तो यह सिधान यहो जहा है पार्लीमेंट के जी, 99% भी लोग राजी होण, 0.1% भी जे कह दे भी मैनू मंजूर नहीं है तो रीकनसिडर हुंदा, तो उसदे उत्ते दोबारा सोचा जाता, तुहानूं सारे नूं पता होगा। उत्थे तो आपां जाके इंडायरैक्टली बिल पास भी करवाया है। हुण पंजाब दे जट भोले है बेचारे सारे, हुण इत्थे आ के आपां ऐं भी करन लग गए, उत्थे धरने भी देण लग गए। चलो एक चंगी गल है, देखो चंगी गल तो कोई भी करे, आप इस गल नूं मन लैणे आ। पर मैं भी हुण देखना चाहुंदा वी जिवें 33-34 दिन साडे धरने इत्थे, साडे किसान, साडे मजदूर, साडे हर वर्ग दा आदमी ला रहा है, तुसीं भी बैठो दिल्ली, सियासी पार्टियां जिन्नियां ने लीडर साहिबान जाके बैठो प्रेजिडेंट दे सामने, उहदे नाल गल करो, बिल जिहड़े हैगे रद्द करवा के लियाओ। ये ड्यूटी की है, एक बाप की ड्यूटी बनती है कि मेरा परिवार सुखी रहे, सुखी बसे मोरो परिवार आ, गुरु साहब ने कहा। तो जो परिवार अपना सारा, ये देश अपना परिवार है, वह जिहड़ा तख्त ताज ते मालिक बैठा है वह बाप है, तो उस बाप नूं चाहिए भी मेरे बच्चे दुखी है, मेरे वड वडेरे दुखी है, मेरे सज्जन दुखी है, तो उन्हूं आप ही चाहिए मैं बिल रद्द कर दे, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है।
आई होप वंस यू विजिट दिस कैंपस योर ऑल क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन शैल बी फुलफिल्ड टू विजिटर्स बिफोर सीकिंग एडमिशन एनीवे।